तो वैसे आपको एनालाइज करना जरूरी है, यू आर द डिसीजन मेकिंग फैक्टर ओवर देयर. अगर आप खुद में विश्वास नहीं करोगे तो फिर इन पूरे 9 पॉइंट्स का कुछ फायदा नहीं है. सो के एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome back to another video of Vlogmas 2022. आज के वीडियो में मैं चैन से बैठ के आपके साथ बात करने वाली हूँ. एक साल हो गया है फॉर आर ब्रांड इम्पल्स कॉफीज एंड इन दिस वन ईयर आई हैव लर्नड अ लॉट, ग्रोन अ लॉट. एंड इफ यू ऑल डोंट नो ऑलरेडी, इम्पल्स कॉफीज इज माई वेरी ओन ई कॉमर्स ब्रांड. एक साल पहले आई स्टार्ट दिस बिजनेस विथ लिटिल टू नो नॉलेज अबाउट बिजनेस और फाइनेंस. और मैं एकदम फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं आती. मैंने पढ़ाई करने के लिए कोई भी कॉमर्स या फाइनेंस की स्ट्रीम में पढ़ाई नहीं की है. मैंने साइंस बैकग्राउंड से मेडिकल की पढ़ाई करके निकली हूँ. तो इट्स वेरी न्यू टू मी. और एक साल में आई कैन से हैव ग्रोन अ लॉट एज अ बिजनेस वुमन एंड देयर इज आल्सो अ लॉट ऑफ लर्निंग्स दैट हैज हैपेंड व्हिच हैज हेल्प्ड मेक माय बिजनेस अ सक्सेस. आई कैन एटलीस्ट से दिस मच कि एक साल में वी आर अ सक्सेसफुल बिजनेस. सो व्हाट हैज हेल्प्ड अस गेट देयर इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल. काफी इनसाइट्स मिलेंगे आज के वीडियो में आपको और मेरी एक साल की जर्नी, जैसे मैंने ये 10 पॉइंटर्स में आपके लिए समराइज किया है. सो इफ you're interested to know everything about it, then continue watching. But if this is the first time you've come onto my channel, then hi, I'm Sara. I make beauty and lifestyle videos here on YouTube. Take a moment, hit that subscribe button, join the Sara squad. I'm sure you'll love it here. And also don't forget to hit the bell icon right next to it so that every time I upload a video, you get notified. And with that, we can dive straight into this. All right, pointer number one has to be team building. You cannot do everything by yourself. Har ek cheez ke liye, after some point, you will need help. You will have to distribute and delegate work. The main thing about entrepreneurship is how well you can actually allocate work to your team and how well you can build your team. Mere liye sabse important wohi raha hai because main do alag cheeze karti hu. I want to run my business successfully but also want to keep creating content. To ye do alag cheez karne ke liye mujhe kafi alag type ke log lagte hai. I need people who can manage multiple things. Aur startup mein of course human resource build karne ke liye financial resource ki bhi जरूरत होती है. तो एक साथ आप 150-200 लोगों की टीम नहीं खड़ी कर सकते हो, जो बड़ी एमएनसीज और बड़े कॉर्पोरेट्स में पॉसिबल होगा. बट स्टार्टअप्स में आपको एक एक इंसान करके स्टार्ट करना होता है. तो यू नीड मोर टैलेंटेड पीपल, यू नीड टू इन्वेस्ट इन दीज पीपल एंड यू हैव टू इन्वेस्ट बोथ वेज. यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम एज वेल एज मनी. बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्स की कमी आपको काफी फ्रेशर्स मिलेंगे जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होगा वो स्ट्रीम का, दे आर जस्ट हियर टू वर्क. सो यू विल हैव टू ट्रेन विद ऑल द स्किल्स स्टार्टिंग से. तो काफी पेशेंस लगता है इसमें एंड यू विल ऑल्सो हैव टू शेल आउट मनी फॉर द पीपल हु हैव अ लिटिल मोर एक्सपीरियंस, बट देन दे विल ऐड टू योर बिजनेस इन सम क्वालिटेटिव वे. सो ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स इन माई ओपिनियन एंड फॉर मी. इफ यू सीन माई वीडियोज, माई व्लॉग्स, आप देखोगे कि माई टीम इज माई एवरीथिंग. आई डू डेफिनेटली बिलीव दैट दे ऐड टू वट एवर आई हैव एज अ पर्सन एंड आई एम एज अ पर्सन. नथिंग इज अ वन वुमन आर्मी, इट कैन नेवर बी अ वन वुमन आर्मी, इट इज ऑलवेज अ टीम एफर्ट. तो टीम building is point number one. Point number two has to be quality is greater than quantity, especially when it comes to the product line of things. जब आप किसी को अपना product बेच रहे हो, आपको sure होने की जरूरत है कि that has to be very, very, very good value for their money. कोई आप में पैसा डाल जाए, आपकी चीज खरीदने के लिए पैसा डाल जाए, आपको चाहिए कि वो वापस आके आपकी वो चीज खरीदे. So your product really has to speak for its money, it has to speak for its name, it has to speak for its value. और इसीलिए मैंने पहले सिर्फ बहुत रिसर्च करके, बहुत प्रोडक्ट डेवलपमेंट में टाइम वेस्ट करके, टाइम वेस्ट नहीं बोलूंगी उसको क्योंकि वो टाइम क्वालिटेटिवली यूज हुआ है. मेरे जो 3 फ्लेवर्स के साथ मैंने अपनी कंपनी लॉन्च की थी वो अभी भी मेरे बेस्ट सेलिंग 3 फ्लेवर्स है. और उसके आगे हर फ्लेवर को डेवलप करने के लिए आई टुक माई ओन स्वीट टाइम. सो आई डिड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, आई टुक द होल ईयर टू जस्ट कम अप विद 5 फ्लेवर्स ऑफ कॉफी एंड 2 साइजेस. बट आई कैन टेल यू कि सब 5 फ्लेवर्स जो आप मेरे ब्रांड से ट्राई करोगे वो एकदम धासू है. मतलब कोई भी फ्लेवर ट्राई करके आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं, इट्स नॉट वर्थ माय मनी और इट्स नॉट इम्पल्स कॉफीज के ब्रांड का स्टैंडर्ड. तो हर प्रोडक्ट के लिए डेवलपमेंट में मैंने बहुत टाइम खर्चा किया है, मेरा एफर्ट और एनर्जी डाला है एंड दैट आई थिंक रियली पेज इन माई बिजनेस. बिकॉज मैंने एक भी रुपया पेड मार्केटिंग में नहीं दिया है आज तक. जितनी भी हमारी ग्रोथ हुई है एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक, ओनली थ्रू माई नेम एंड माई फॉलोअर्स एंड थ्रू वर्ड ऑफ माउथ एंड थ्रू अ लॉट ऑफ रिपीट बायर्स. और वो रिपीट बायर्स तभी आए हैं बिकॉज my product is
good. So whenever you're developing a product or a service aapke business mein, you need to make sure you are keeping quality at the top of everything else. Number three has to be know where you want to invest your money. Starting ke few years for a business is always a cash crunch. Bolte hai ke starting mein loss hi hota hai, uske baad only you can start making profit. And that is very true. Starting mein maine bahut paisa lagaya tha, loan bhi liya tha apne business mein to just be able to make it to the scale jo maine visualize kiya hai. But wo mera planning tha, wo meri financial planning thi ki I knew where I wanted to invest my money, in what streams I want to put money, in quality development, in product development, in packaging, in design. Koi cheezon mein I did not spend money. I did a lot of bargaining. I tried to find the cheapest of things that I could do for those services, and koi cheezon mein I put money. So there will be a lot of people jinse aap guidance le sakte ho. Aapko bahut log bahut advice denge. Mujhe aaj bhi log bahut kuch advice dete rehte hain, and I am always open to listening. But they will always tell you isme lagao, marketing mein lakhon rupaye laga do, isme lakhon rupaye laga do, ad karne mein lakhon rupaye laga do. But har jagah aap lakhon rupaye nahi laga sakte. You have to collect your money, pool your money, and decide where exactly you want to invest in. And that financial planning has to come from you, from your within. Agar aapka business hai to aapko itna apne aap pe bharosa karna padega, itna apne aap pe trust karna padega ki you know best for your business. It's like your baby, it's your birth. So you need to decide kaun se aspect mein kitna paisa lagana hai aur kaun se aspect mein aap thoda sa chindigiri ke sath nikal loge, thoda you know, you can go in the affordable route and you don't have to go for the premium thing over there. To वैसे आपको analyze करना जरूरी है. So financial planning at the crux, you are the decision making factor over there. Number four is failures are just a hard comma in your journey. They are not a full stop. बहुत सारे failures आएंगे, trust me. एक साल में मैंने इतने ups and downs देखे हैं जो मतलब it's humanly impossible to process sometimes कि कितना has happened in just one year, because every product development में every new step of the way I have faced a lot of obstacles of what I had very little knowledge, especially because I did not come from a finance background. मुझे हर एक चीज start से सीखनी पड़ी, हर एक चीज right from taxation to formation of company to documentation, हर चीज सीखते समय you just have to have an open mind. And if you happen to fail in any step of the way, okay, आगे भी या अभी भी, in one year there will be a lot of failures, but what you have to realize is that if you stop, there will be no आगे जाना, there will be no journey, there will be no end result. You have to take it as a comma and not a full stop and keep on moving. So failures are just a comma. They will help you build better, and you can always re-evaluate ki kya galat chala gaya, ab hum better karenge. You cannot just be successful, you have to fail along the way. Number five is to have an open mind to absorb all the information that you get from your environment. Every single person who will walk into your life, who you'll connect with, who you'll network with, will teach you something, will add on to your skills in some or the other way. Even the people who join your team will teach you something or the other and go. So har ek insaan se seekhne ke liye wo ek open mind rakhna zaruri hai. At the end of the day, everybody knows a little more than you, a little less than you, and you need to have that attitude of learning. You need to have that attitude of absorbing. Not just because kyunki meri padhai mein maine kuch finance nahi sikha hai, in general also agar mujhe koi kuch bhi bata raha hai to main ekdam absorbent mind se wo sunti hu, aur agar mera tabhi mind nahi absorb kar sakta hai to I will note it down and I will process it later. Shayad usne 100 cheeze boli hogi but usme se 2-3 cheeze meri kaam ki hogi. To aapko bahut log aise milenge, especially once you enter the line of business, you will meet a lot of people like this who will teach you a lot of things, and every day you will meet some new people like that. But usme se aapko apne business ke liye kya apply karna hai, that is very important for you to process all of that information and apply it for yourself. Number 6 is, just like I'm saying, you need to have an open mind for education and learning, but at the same time you also need to be a little bit of a know-it-all in all the streams, because jab aap startup shuru kar rahe ho na, tabhi aapke paas itni resource nahi hogi ki you can afford the best of everything. You can't have the best graphic designer, the best website developer, the best team manager, the best finance accountant, the best everything. To har ek cheez mein aapko thoda thoda knowledge rakhna zaruri hai ki just in the event ki jisko aapne hire kiya hai ya aapne aapka kaam outsource kiya hai, if that person cannot do their job really well, and in case your money invested in that person is gone to waste, it might be lesser amounts, but then you need to get the job done right. Aisa kitni baar hua hai ki maine kitne logo ko outsource kiya hai kaam aur barabar se dhang se kaam nahi hua hai, and I'm not happy with it. If I'm not happy with the job, I will not put it out in the world and for you all to see, and in that event I have to take it upon myself. I will design a graphic post sometimes on Canva because I know how
हाउ टू. मुझे मेरी पूरी वेबसाइट बनाने आती है फ्रॉम स्क्रैच. मैंने पूरा शॉपिफाई सीख के रखा है कि कभी कोई भी डिस्काउंट कोड रन करना हो, कुछ भी ऑफर रन करना हो, कोई बैनर चेंज करना हो, कोई सेल एक्टिवेट करना हो, अगर वेबसाइट डेवलपर अवेलेबल नहीं है तो मैं कर देती हूँ. आई नो द बेसिक्स, आई नो हाउ टू रन द बेसिक मॉड्यूल ऑफ एवरीथिंग, आई नो मैनेजमेंट, आई नो माई अकाउंट्स वेरी वेल. तो हर एक चीज का बेसिक नॉलेज रखना जरूरी है बिफोर यू डाइव इनटू बिजनेस, सो दैट अगर एनी स्टेप ऑफ द वे यू आर हिकअपिंग, कोई भी आपके बिजनेस में उतना काम नहीं करेगा जितना आप काम करोगे. नोबडी विल बी एज पैशनेट एज यू आर बिकॉज इट्स योर बेबी एट द एंड ऑफ द डे. तो अगर आपको वो करना है तो यू नीड टू नो द बेयर मिनिमम ऑफ एवरीथिंग एंड जस्ट टू कीप द चक्की रोलिंग. यू नो वो गाड़ी चलती रहनी चाहिए, उसमें कितना भी मैकेनिज्म में डिसफंक्शन हो वो बाहर से दिखाई ना दे, वो अंदर से स्मूथ फ्यूलिंग होता रहे. इसलिए यू नीड टू हैव लाइक अ लिटिल जनरल आइडिया अबाउट एवरीथिंग. यू कैन जस्ट आउटसोर्स एंड फॉरगेट बिकॉज उतना फाइनेंशियल रिसोर्स आपके पास अभी भी नहीं होगा, स्पेशली इन द फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस तो डेफिनेटली नहीं होगा. नंबर 7 हैज टू बी फाइनेंशियल लॉसेस आर नॉट वैल्यू सेटबैक्स. ठीक है, अगर आपका पैसा कहीं लॉस हुआ है, आपने किसी को दिया है सर्विस के लिए और वो सर्विस आपको नहीं मिली है, या बहुत सारे गुड्स मंगा लिए एंड इट्स नॉट सोल्ड. फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे हॉलीडे गिफ्ट सेट्स, हमारे पास इतना ज्यादा MOQ है, शायद ही सब कुछ बिक जाएगा हॉलीडे सीजन तक, और उसके बाद तो हमको वो डिसकंटिन्यू करना ही पड़ेगा बिकॉज क्रिसमस के बाद वो गिफ्ट बॉक्स कौन खरीदेगा. तो इसलिए उसके बाद जितने भी डब्बे बच गए, जितना भी पैकेजिंग मटेरियल बच गया, वो सब लॉस इनकर्ड इनटू द कंपनी है. दैट शुड नॉट मेक मी डिस्करेज कि अगले साल हम गिफ्ट बॉक्स करेंगे ही नहीं. दैट के नॉट बी द एटीट्यूड आई हैव, क्योंकि हमने एक ब्रांड स्टैंडर्ड सेट किया है स्टार्टिंग से, तो वो मेंटेन करना भी जरूरी है. एक एक्सपेक्टेशन होती है कस्टमर्स की और वो भी मीट करना जरूरी है. सो आई विल हैव टू ब्रिंग बैक द गिफ्ट बॉक्स नेक्स्ट ईयर और ये लॉस मुझे इनकर करना पड़ेगा, बट लेटर इट विल गेट टैलीड आउट. लेटर आई माइट लॉन्च अ प्रोडक्ट विच विल डू इवन बेटर एंड इट विल टैली आउट द लॉसेज दैट हैपेंड इन दिस सेल. लाइक आई सेड इन द बिगनिंग ऑल्सो कि स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस विल बी दैट कैश क्रंच, के बहुत कम पैसों में जब थोड़ा भी लॉस थोड़ा भी इनकम हो, इट रियली हिट्स, यू नो दोस लॉसेज रियली हिट, बट यू कांट लेट देम मेक इट अ सेट बैक फॉर यू. दे विल ऑलवेज एड वैल्यू टू योर लेसन्स लर्नड. मे बी आई डू इट बेटर नेक्स्ट टाइम, मे बी आई विल हैव बेटर एनालिटिक्स नेक्स्ट टाइम, मे बी आई विल लॉन्च द गिफ्ट सेट थोड़ा जल्दी नेक्स्ट टाइम एंड लर्न समथिंग और द अदर फ्रॉम दिस लॉस दैट आई हैड इन दिस बिजनेस. तो इट विल टीच यू अ लेसन एंड इट विल ऑल्सो गेट टैलीड लेटर ऑन व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंसेस. सो डोंट लेट दैट सेट यू बैक ईदर. पॉइंट नंबर 8 हैज टू बी चादर उतनी फैलाना जितना आपके पास कपड़ा है, बिकॉज वन मोर थिंग इज कि अगर आपको चाहिए तो आप एक ही साल में बहुत ग्रो कर सकते हो. कि एक साल में चाहिए होता तो आई कुड हैव गॉट प्री सीड इन्वेस्टमेंट एंड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड यू नो पिच्ड अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स और बहुत पैसा ग्रो करके अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा भी स्केल कर सकती थी, बट शायद ही उतनी कैपेबिलिटी मेरे अंदर भी थी टू बी एबल टू यू नो स्केल इट टू दैट लेवल. सो मुझे इस रेस में लंबी रेस का घोड़ा बनना है. आई डोंट वॉन्ट टू बी योर फॉर अ शॉर्ट टाइम, आई वॉन्ट टू बी योर फॉर अ लॉन्गर टाइम. आई वॉन्ट कि आप लोग इम्पल्स पीते रहो, इंजॉय करते रहो, बस एक साल पी के बस बंद करके रख नहीं देना है, एंड आई डोंट वॉन्ट दैट टू बी द विजन. तो इसीलिए आई एम ओनली ग्रोइंग जितना मैं भी एक इंसान के जैसा एंड एज अ कंपनी आई कैन ग्रो. सो इट्स पॉइंटलेस टू ग्रो टू मच एंड देन जस्ट यू नो ड्रॉप लाइक दैट. दैट विल बी योर ग्राफ एंड इट विल ओनली बी शॉर्ट लिव्ड. आई वुड रादर हैव माई ग्राफ को ऐसा 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 थोड़ा सा ऐसा फिर थोड़ा 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 करके. तो उतनी ही चादर मुझे फैलानी है जितना मैं एज एन इंसान ग्रो कर सकती हूँ. एक ही साथ सब पैसा ले लो और फिर उतने स्ट्रेस में रहो कि इतना पैसा उठाया है मार्केट से, उतना ग्रो करना पड़ेगा, उतना धंधा लाना पड़ेगा, उतना बिका नहीं तो क्या होगा, उतने स्ट्रेस में ही मर जाऊंगी. उससे अच्छा धीरे 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 यू ग्रो एंड उतनी चादर फैलाओ जितना आप कर सकते हो, उतने लोगों पे भरोसा कर सकते हो. बिकॉज इतने लोगों को हायर करोगे, एक साथ 200 लोगों को हायर करोगे, कोई आपका पैसा लेके कोई भी आपको बेवकूफ बना के यहाँ से निकल सकता है एंड यू नो यू कैन जस्ट ब्लो आउट ऑफ प्रपोर्शन रियली फास्ट. सो यू वुड रादर बिल्ड योर बिजनेस वन ब्रिक एट अ टाइम, बिल्ड योर बिल्डिंग वन ब्रिक एट अ टाइम विद स्ट्रॉन्ग सीमेंट रादर देन पुटिंग एनी कचरा मटीरियल एंड जस्ट बिल्डिंग इट फॉर द हेक ऑफ शोइंग द वर्ल्ड ओ वाओ आई हैव सच अ बिग सक्सेसफुल बिग एस ब्रांड. दैट इज नॉट रियली हाउ आई थिंक आई वॉन्ट टू ग्रो इन द लॉन्ग रन, बिकॉज लाइक आई सेड लंबी रेस के घोड़े होने. पॉइंट नंबर 9 इज टू टेक रिस्क. ऑल ऑफ दिस इज रिस्की बिजनेस. ओके, एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स आर. तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी नए प्रोडक्ट, आज मेरी इतनी फॉलोइंग ओके, इतने सब्सक्राइबर्स ओके, इतनी कस्टमर बेस ओके, इतने सेल्स ओके, भी हर प्रोडक्ट लॉन्च से पहले मुझे पता नहीं होता कि कोई खरीदेगा कि भी नहीं, उतने जितने मैंने मंगाई हूँ उतने बिकेंगे कि नहीं. बिकॉज मेरा फूड प्रोडक्ट है देयर इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू एक्सपायरी. अगर मेरा प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया तो उतना मेरी कंपनी में लॉस है. ओवर एम्बिशियस होकर बहुत ज्यादा माल मंगा लिया और
उतना बिका नहीं तो वो भी मेरा लॉस है। बहुत ज्यादा टीम हायर कर ली और बहुत ओवरहेड्स पाल लिए और उतनी कंपनी ग्रो नहीं हुई तो वो भी मेरे लॉस है। बट हर एक चीज लेने से पहले, हर एक हायरिंग से पहले, हर एक प्रोडक्ट लॉन्च से पहले इट्स अ रिस्क एंड यू हैव टू टेक दैट रिस्क आफ्टर एनालाइजिंग ऑल दीज अदर पॉइंट्स दैट आई टोल्ड यू। यू नीड टू टेक दैट लिटिल बिट ऑफ अ रिस्क, बिलीव इन योर सेल्फ दैट थोड़ू सा एंड गो दैट लीप ऑफ फेथ, वो तो करना जरूरी है वरना आगे बढ़ोगे ही नहीं, फिर वो कॉमा फुल स्टॉप ही हो जाएगा और उधर के उधर ही रह जाओगे और वो भी नहीं करना है। यू हैव टू कीप ग्रोइंग स्लो एंड स्टडी एंड दैट ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 10 एंड दैट इज बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप खुद में विश्वास नहीं करोगे तो फिर इन पूरे 9 पॉइंट्स का कुछ फायदा नहीं है। इन दिस वन ईयर आई थिंक जो सबसे ज्यादा मैंने अपने लिए किया है इज टू बिलीव इन माई सेल्फ के एट द हार्डेस्ट ऑफ पॉइंट्स इन माई लाइफ आई हैव टोल्ड माई सेल्फ कि आई कैन डू इट। इफ आई वॉन्ट डू इट देर इज नोबडी एल्स दैट कैन डू इट। दैट इज द वन स्ट्रॉन्ग बिलीफ। इट कुड बी ओवर कॉन्फिडेंस फॉर अदर्स बट फॉर मी इट इज सेल्फ बिलीफ दैट आई कीप टेलिंग माई सेल्फ दैट सारा यू कैन डू इट। इफ यू कॉन्ट डू इट नोबडी एल्स कैन डू इट। सारा यू कैन डू इट एंड आई स्ट्रॉन्गली बिलीव कि अगर ये हर एक इंसान हर एक जन को बोलेगा ना एंड अपने आप को बोलने लगेगा यू कैन डू अ लॉट मोर देन जो आप अपने आप को क्रेडिट देते हो उससे ज्यादा। अगर आपने एक चैलेंज लिया, एक टास्क लिया है वो कंप्लीट करने के लिए यू नीड टू कीप टेलिंग योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। इन द वर्स्ट केस सिनारियो, इन द वर्स्ट पॉसिबल सिनारियोज, इन द वर्स्ट पॉसिबल टाइमिंग आई हैव टोल्ड माई सेल्फ दैट आई कैन डू इट एंड अब तो जितना बुरा होना था हो गया, अब अच्छा ही होगा। तो दैट पॉजिटिव माइंड सेट जो आप लोग बोलते हो ना कि मेरा कहां से आता है, इट्स दैट सेल्फ टॉक दैट आई कीप टेलिंग माई सेल्फ दैट आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। सो दैट इज समथिंग दैट आई ऑल्सो एनकरेज कि आप लोग सब अपने आप को बोलो बिकॉज सेल्फ बिलीफ इज एवरीथिंग। इफ यू कॉन्ट बिलीव इन योर सेल्फ नोबडी एल्स विल बिलीव इन यू बेबी। हू विल इन्वेस्ट इन योर बिजनेस व्हेन यू ऑल्सो डोंट बिलीव इन योर बिजनेस। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि यू आर सेलिंग योर सेल्फ योर प्रोडक्ट really well and on the mark and that completes it. That's pretty much everything that I learned and everything that has helped me grow and be where I am today. I'm sure there's lots more learning and I love the process of just learning in this whole business journey because it's new, it's exciting, it's everything I ever wanted and mashallah Impulse Coffees has grown so much with your support which is why I wanted to give you all these insights because I know ke kafi logo ko lagta hai ke business start karna bahut zyada difficult hai jo hai. I'm not saying it's simple or super easy, takes all of these steps and a lot more to get wherever you want to. I hope this video helps a lot of people. If it does help you, then don't forget to hit the thumbs up button, hit the like button, share it with your friends who want to venture into business, who are already into business. Maybe this will help them in some sort of way. For this video, Sarascot Channel goes to Candice Duckworth. Thank you so much for watching and supporting my channel. If you want to be a part of next video, Sarascot Channel, you know what to do. Hit that subscribe button, bell icon right next to it. And also leave a comment down below saying hashtag Sara Squad and chance to be part of my next video, Sara Squad shout out. I will see you guys very soon. Another video. Bye guys, love you. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories.